प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीबी को समाप्त करने के लिए अभिनव पहल करने वाले राज्य, केंद्र शासित राज्य और जिलों को भी पुरस्कृत करेंगे। भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की जाएगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 24 मार्च को आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में पीएम मोदी टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ करेंगे। साथ ही छोटे टीबी निवारक उपचार और टीबी मरीजों के परिवार की देखभाल का मॉडल भी लॉन्च करेंगे। सूरत जिला अस्पताल ने राहुल गांधी को उनकी कथित मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज किया गया था। अब राहुल गांधी को दोष सिद्धि को निलंबित कराने के लिए बड़ी अदालत जाना होगा। इसके लिए राहुल गांधी के पास 1 महीने का समय है। मुस्लिमों में बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने संविधान पीठ के सामने जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीख नहीं दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम 1937 की धारा 2 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करने वाले घोषित किया जाए। साथ ही भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान सभी भारतीय नागरिकों पर बराबरी से लागू हो। ट्रिपल तलाक IPC की धारा 498A के तहत एक क्रूरता है। निकाह हलाला IPC की धारा 375 के तहत बलात्कार है और बहुविवाह IPC की धारा 494 के तहत एक अपराध है। मिजोरम और असम में भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब्त मादक पदार्थों की कीमत 400 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। पूर्वी मिजोरम में म्यामा की सीमा के पास चाम्फाई शहर में एक घर से नशीली दवाइयों की 39 लाख गोलियां जब्त की गई, जिनकी कीमत 390.40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम की बात करें तो पद पर रहते हो उन्होंने सरकार को रिटायरमेंट प्लान सौंपा है। मांग की है कि पूर्व स्पीकर को भी कैबिनेट मंत्री जैसे वेतन भत्ते सुविधाएं मिले। पूर्व मुख्यमंत्री इसके हकदार हैं। जो स्पीकर है उनका नाम प्रोटोकॉल में बहुत नीचे अब 17वें पर लाया जाया है। जिस लोकायुक्त की नियुक्ति में हस्ताक्षर स्पीकर के होते हैं, प्रोटोकॉल में पद मिलने पर वो ऊपर हो जाएगा और हम नीचे। पूर्व स्पीकर का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए बस यही कहा है कि पूर्व स्पीकर होने पर मिनिस्टर का दर्जा मिले। राज्य के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी स्पीकर ने अपने रिटायरमेंट को लेकर ऐसा प्रस्ताव दिया है। अयोध्या देवकली रोड के चौड़ीकरण के दौरान JCB ने बुधवार को अंजनीपुरम कैंट से आ रही 33 KV की बिजली की अंडरग्राउंड लाइन तोड़ दी। इससे शक्तिनगर अंजनीपुरम से लेकर देवकली रोड के हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। करीब 2.5 घंटे तक यही हालात बने रहे। इसके बाद बिजली कर्मियों ने किसी तरह देवकली उपकेंद्र से जुड़कर इस क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बहाल। पश्तून कार्यकर्ता फजल उर रहमान अफरीदी ने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंधों का खुलासा करते हुए कहा कि हम खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो पश्तून जाति अल्पसंख्यकों के बुनियादी मौलिक अधिकारों और जीवन के लिए जरूरी है। पाकिस्तान और TTP के बीच अघोषित सौदे गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने परिषद को बताया कि सौदे के तहत करीब 44,000 TTP उग्रवादियों और उनके परिवारों को KPK में फिर से बसाना है। हजारों पश्तूनों, विशेष रूप से पश्तून संरक्षण आंदोलन ने इस सौदे के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन किया और अपनी भूमि की मांग की। खालिस्तान समर्थकों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर प्रदर्शन किया। 200 से अधिक प्रदर्शनकारी बुधवार को सुनियोजित प्रदर्शन के लिए यहां इकट्ठा हुए थे। उन्होंने इस दौरान खालिस्तानी झंडा भी दिखाया। सैन फ्रांसिस्को पुलिस भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर मुस्तैदी से मौजूद थी। यहां हिंसक अव्यवस्था के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। शाहरुख खान ने पठान 2 से जुड़े अपने लुक का खुलासा कर दिया। फिल्म पठान के OTT पर रिलीज होने पर किंग खान ने अपने फैंस के सवालों का जवाब दिया। शाहरुख खान ने कहा कि ये लुक पठान पार्ट 2 का होगा। पांव की चोट से उभर रहे इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी बेरेस्टो अपने देश के क्रिकेट बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण इस साल इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेल पाएंगे। IPL 31 मार्च से शुरू हो रहा है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने हालांकि ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को इस T20 टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति दे दी है।